हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माई मनी से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि माई मनी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किस तरह से करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माई मनी से लोन अप्लाई किस तरह से करना है। मैं इसमें प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से आपको करना है। और यहाँ पे इसका डाउनलोडिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 मिलियन से प्लस डाउनलोडिंग है। और यहाँ पे रेटिंग की बात करें तो 3.4 का रेटिंग दिया गया है। और यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लोन रिक्वायरमेंट के लिए, चलिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल लोन फीचर, यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 20,000 से 2 लाख तक आपको लोन मिलेगा। और यहाँ पे 100% अप्लीकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे डिजिटल ऑनलाइन प्रोसेस है। और यहाँ पे 24 से 48 घंटा तक आपको लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको जो है लोन यहाँ पे आपको 18% इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। और यहाँ पे 28% यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे 3 मंथ के लिए लेंगे तो आपको 28%, और अगर 12 मंथ के लिए अगर लेते हैं तो आपको 18% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस आपको 2 से 4% आपको लगेगा। और यहाँ पे आपको लोन अमाउंट जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, 20,000 अगर लेते हैं तो आपको 6 मंथ के लिए आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन प्रति मंथ लोन अमाउंट जो है आपको यहाँ पे EMI आपको कितना पेमेंट करना होगा प्रति मंथ, यहाँ जो आपको सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल। तो चलिए मैं इसको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको लोन अप्लाई करना है। इस प्रोसेस को मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको लोन अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हमारे वीडियो देख करके आप लुक उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन को चलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपको नेक्स्ट करते चले जाना है। यहाँ पे सारा कुछ परमिशन आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर के द्वारा आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे OTP आ चुका है, यहाँ पे OTP से आपको वेरिफिकेशन कर लेना। चलिए मेरा OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पे OTP इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे OTP मैं इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे हम अपना Gmail ID इंटर कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। Gmail ID इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप आपको ये एप्लीकेशन आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देख सकते हैं कुछ इस कुछ आपको वहाँ पे नाम और Gmail ID इंटर करने के बाद आपको लॉगिन प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे बैंकिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नीचे आपको बैंक यहाँ पे देख सकते हैं, होम ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, कैश यहाँ पे डिलीवरी किया क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बैंकिंग का दिया गया, उसके बाद नीचे लोन का भी दिया गया है। ट्रांजैक्शन अगर यहाँ पे आप लोन पे क्लिक करते हैं यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन दिया गया है, अगर आप कोई लोन लिया हुआ रहेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पे मोर पे दिया गया आपको, यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिया गया। उसके बाद यहाँ पे हमको लोन अप्लाई करना है तो लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं जेट इंटरेस्ट लोन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको लोन अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लोन अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड आधार कार्ड, यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर इंटर करना है, और यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा। जैसे कि आप नाम इंटर कर लिया हूँ मैं पहले, तो यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर लेना, तो चलिए मैं आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ सेकेंड वेट कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे कुछ सेकेंड वेट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आधार की तरफ से OTP आया हुआ है, तो यहाँ पे अभी लोडिंग ही प्रोसेस हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे आगे का प्रोसेस लोडिंग होने के बाद बताता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आधार की तरफ से एक OTP आया है, OTP इंटर कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से OTP इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं OTP इंटर करता हूँ। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, लोडिंग यहाँ पे हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ सेकेंड वेट कर लेना है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको परमिशन देना है, जैसे कि लोकेशन का परमिशन आपको दे देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लोडिंग फिर से हो रहा है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना है, इमेज यानी पैन कार्ड का। यहाँ पे आपको इमेज एक अपलोड कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड का यहाँ पे एक इमेज अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पैन कार्ड का इमेज अपलोड कर देता हूँ। पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना फ़ोटो को यहाँ पे पैन कार्ड का फ़ोटो को अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे ठीक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा पैन कार्ड अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मेरा नाम डिटेल सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे का यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कुछ समय आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट योर डज नॉट, यहाँ पे मेरा जो एम यहाँ पे मेरा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका है, मेरा एज कम है यानी मेरा एज अभी 22 साल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। मेरा एज अभी 21 साल, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मेरा एज अभी 22 साल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ चुका है। तो मेरा एज अभी कम है, इसलिए यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं हो रहा। अगर आपका एज 21 साल से ऊपर है, 22 साल से ऊपर है, तो आप यहाँ से आप लोन ईजिली तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा लोन अप्लाई नहीं हुआ, मेरा एज कम है, इसलिए यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन से माई मनी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप गाइज वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे न्यू कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।